वडोदरा शहेरना बदामणी बाग खाते रूपया 5.80 करोड़ की किमते बननार आर्ट गैलरी नू आजे खातमुहूर्त करवामां आव्युं हतुं। कलानगरी वडोदरा मां बदामणी बाग स्थित आर्ट गैलरी वर्ष 2017 मां तोड़ी पाड्याना 5 वर्ष बाद आखरे हवे नवीन आर्ट गैलरी बनावानुं काम हाथ पर लेवायुं छे। शहर ने स्मार्ट सिटी बनावा उतावड़ा आ आर्ट गैलरी ने तत्कालीन म्युनिसिपल कमिश्नर विनोद रावे वर्ष 2017 मां तोड़ी पाड़ी हती अने बगीचा मां सिटी कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बनाव्युं हतुं। आर्ट गैलरी बनावा माटे कलाकारोए अनेकवार पालिकामां अने मुख्यमंत्रीने रजूआतो करी हती। आखरे पालिकाए बदामणी बाग खाते सीसीसी सेंटरनी बाजूमां आर्ट गैलरी बनावानुं नक्की कर्युं हतुं। पहला 4-5 वर्ष पहला वडोदरा शहरना सेंटर में आपणे जेने दांडिया बजार बंबाखानू कहीने ओळखता हता एवं फायर स्टेशन कॉर्पोरेशन द्वारा तोड़ी नाखवामां आव्युं हतुं अने एनी साथे सीसीसी कंट्रोल कमांड सेंटर बनावा माटे कलाकारोनी आर्ट गैलरी पण तोड़ी नाखवामां आवी हती। आ 5-6 वर्षना गाड़ा दरमियान अमारा फायर ब्रिगेडना जवानो जे शहरनी 24 कलाक सेवा करे छे तेओ खुल्लामां पतराना शेडमां एक लोखंडनी ऑफिसमां 4-5 वर्षथी फायर ब्रिगेडना जवानो बेसता हता अने खुल्लामां वाहनो पड़ी रहता हता। आ प्रश्ननुं पण निराकरण थाय अने अमारा जे कलाकारो शहर वडोदरा शहरने कलानगरी कहेवાય છે એ કલાકારો પણ આર્ટ ગેલેરીથી વંચિત હતા, આ બંનેનું સમાધાન એક સંયુક્ત રૂપે આવે એ વડોદરા મહાનગરપાલિકાએ બદામણી બાગ ખાતે ખૂબ ઓછી જગ્યા વાપરીને કંટ્રોલ કમાન્ડ સેન્ટરની બાજુમાં એડજોઇનિંગ ફાયર સ્ટેશનને આર્ટ ગેલેરીનું નિર્માણ આજે કોર્પોરેશન દ્વારા એનું ખાતમુહૂર્ત કરવામાં આવ્યું છે। અહીં આગળ એક ચિત્રકારના રૂપે અનેક વખતે એક્ઝિબિશનો કર્યા છે। प्रथम एक्जिबिशन वक्त वडोदरा राजा रणजीत सिंह गायकवाड़ अँ आग उपस्थित रहा था। तेमना आशीर्वाद थी अने तेमना मार्गदर्शन थी विवेकानंद आर्ट गैलरी अंदर एक्जिबिशन थूं। त्यार पछी एनएस बेन्द्रे साहेब, रमेश भाई पंड्या, नटूभाई परीख एवं गुजरातना अनेक नामांकित कलाकारों आ बदामणी बागनी आर्ट गैलरी अंदर उपस्थित रही एक्जिबिशनों मार्गदर्शन आप्या हता। हूँ आजे वडोदरा शहेरना कला शिक्षकों, कलाकारों, रंगोड़ी आर्टिस्टो अने फोटोग्राफरो सौना तरफ थी अने सौनी जे माग हती तेना तरफ थी जे कॉर्पोरेशन ने विनंती करूँ छूँ के अमारी माग तमे संतोषी छे, परंतु एने पूर्ण संतोष अमने त्यारे थशे के जही अहीं आगळ कला भवन नो अस्तित्व